अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सोफिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ रमज़ान जी खड़ी इंदा, काफ़ी सारी फरमाइशों तुम पूरी क्यों पाया। जे खादा ठाऊँ पे वो ठाई पे तलो कुकिंग ऑयल और तलो बनस्पति घी से गड वाइटमिन ए डी ए ई का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है। बेहतरीन पैकिंग में शानदार बचत रमज़ान जी। टिन पैक में इतने बनस्पति घी है, इतने कुकिंग ऑयल है, थैलियों भी मिलन पे जो प्लास्टिक जी बैग्स में मिलन जो है 5 पैकेट वो, ठीक है, वो भी वही सो था। उनके अलावा रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा मशरूब मशिक तमाम बेहतरीन शरबत है। 110 साल का इनकी मैन्युफैक्चरिंग हले पे मार्केट में अवेलेबल है। 5 ममालिक अड़ा जिनमें यो काफ़ी शौक सा पियो वो है, ठीक है। इनमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ ठाई सोता। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डेरी क्रीम है, तमाम बेहतरीन क्रीम है जो वही सोता। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम में तुम फालूदो आइसक्रीम्स कस्टर्ड्स काफ़ी सारा मिठा सोता। इतने है मलका फूड, मलका फूड की काफ़ी वसी रेंज है जिनमें काफ़ी सारा मसाला है, कढ़ाई गोश है, अचार गोश है, उनके अलावा कौरमो मसालो है, चपली कबाब है, खीर मिक्स है, जी ईद अचे पी खीर मिक्स तुम इस्तेमाल कर सोता। एनएक्स असा सा गड़ा, एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन ये सब तुम सामू इस्तेमाल कहता भी वही सोता। फुटाइल जो असो किचन है, फुटाइल की तमाम सुठी रेंज है जिनमें माइक्रोवेव है, बेकिंग ओवन है, चूल्हो खासकर जो यूज़ कह फास्ट टेक्नोलॉजी का तैयार थे है। अजोकी रेसिपी असं ठाई पा चणन की चाट, जो बेसण वाली चणन की चाट ठेंदी, यह लिक्विड फॉर्म में ठंडी, ठीक है, तमाम ज़बरदस्त है। इनसे गड पकौड़ा तुमको ठाण सिखारिया, दही फुल्कू ठाण सिखारियों, ये पानी वाली दही फुल्कू जी गोल गप्पा ठंडा, इन तरीके से पानी वाली दही फुल्कू चटपटियों ठंदी। सुबाने 9 बजे रिपीट हलो, स्क्रीन से नंबर ले पो, का भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो कॉल करें पूछी सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डालडा कुकिंग ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल और तलो बनस्पति घी के साथ, विटामिन ए डी और ई से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, नई पैकिंग बचत के साथ जो है रमज़ान की आप इसमें ले सकते हैं। तलो कुकिंग ऑयल में बहुत सारे खाने बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फ्राई करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, डेरी क्रीम है नेस्ले मिल्क पैक की, और इसमें आप फालूदे बनाएं, आइसक्रीम्स बनाएं, फ्रूट चाट क्रीमी जब हम बनाते हैं, और बहुत सारे मीठे बनते हैं। मलका फूड हमारे साथ है, मलका फूड में वसी रेंज है मसालों की और रेसिपीज़ की भी बहुत सारी इसमें रेंज है, आप ले सकते हैं। मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन ड्रिंक है, 110 साल से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, मार्केट में है, हर घर में हर दस्तखान पे इस्तेमाल होता है, और इसके ख़ास कर बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स हैं इसके इसमें फ्रूट्स और कुदरती अरकियात से तैयार किया हुआ है। आप इसको दूध के साथ, लस्सी के साथ बना के पी सकते हैं, इसमें जो हम फालूदा कुल्फ़ी खाते हैं उसके आप टॉपिंग कर सकते हैं, आइसक्रीम्स पे टॉपिंग कर सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्स आपके सामने यूज़ करता हूँ। फुटाइल हमारा किचन है जिसमें माइक्रोवेव ओवन है और कुकिंग रेंज आपके सामने यूज़ करते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, छोले बना रहे हैं हम, कौन से बेसन वाले, बेसन में लिक्विड वाले छोले बन रहे हैं। काफ़ी सारी छोलों की चाट मैं बनाना सिखा चुका हूँ आपको रमज़ान में, तो आज ये बना रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं पानी वाली फुल्की, एक हमने बनाई थी दही फुल्की की, 3 किस्म की आपको मैंने रेंज बनाना सिखाई थी, दही बड़े बनाना सिखाए थे, तो आज हम बना रहे हैं पानी वाली दही फुल्की। जिस तरह गोलगप्पे बनते हैं उसी तरह ये दही फुल्की बनेगी। नोट करते जाइएगा, कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप सुबह 9 बजे रिपीट में देख सकते हैं, ठीक है। सभी का पहले असा स्टार्ट कंदासी, असा इतने स्टार्ट कंदासी दही फुल्किन की रेसिपी। दही फुल्किन की रेसिपी जला जो पानी वारियों ठांदियों हिला असा खणदासी 2 कप बेसन, 2 कप बेसन लेंगे और इसको हमने करना है बीट, ठीक है। यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन कर रहा हूँ ताकि हमारा ऑयल गर्म होना शुरू हो जाए। ऑयल हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, तलो कुकिंग ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल को मैं गर्म कर रहा हूँ। जब भी आप ऑयल गर्म करते हैं, पकोड़े बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ फ्राई करते हैं, तो उसको ठंडा करके छान लिया करें यूज़ करने से पहले, या जैसे शाम में बना दिया दूसरे दिन उसको छान लें, उससे क्या होगा आपका ऑयल डार्क नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा और क्लियर रहेगा, उसमें जो छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं, दाने रह जाते हैं, वो नहीं रहेंगे, ठीक है। कुकिंग ऑयल जडे भी इस्तेमाल कंदा है उनके थदो करे बाद में छाणे चंदा कर, उनका घाटो भी कोन थो, कलर भी कोन चेंज थो, काफ़ी दफ़ा तुम उनके इस्तेमाल भी कर सो था, ना नंढा नंढा जरा रह कारा पीसिस अची वा, तो वो सड़ा ऑयल जो कलर चेंज थो। कॉल वटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वॉल्यूम बता दो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ। एबटाबाद से बात कर रही हैं? जी जी जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एबटाबाद का मौसम कैसा है और रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छे, ठंडे ठंडे जा रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे? अभी अभी भी पंखे के बगैर बैठे हुए हम लोग। अच्छा जी जी, कुछ कहना चाहेंगी?
जी आपके रोल शो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें और बहुत ही अच्छी तरीके से आप बताते हैं। वो आपका अंदाज भी बहुत अच्छे है माशाल्लाह। बहुत जो चीज़ आप बनाते हैं हम वही चीज़ें ट्राई करते हैं और इतनी जबरदस्त बनती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कोई फरमाइश करनी है आपने? आइसक्रीम बनाना तो सिखा दें। आइसक्रीम कौन सी बताएं? आइसक्रीम सॉरी वनीला आइसक्रीम। ठीक है, मैं कुछ दिनों में बना दूंगा। चीकू आइसक्रीम भी बनानी थी, वो भी पेंडिंग में चली गई है, तो हम वनीला आइसक्रीम भी बनाएंगे और चीकू आइसक्रीम भी इसी दिनों में बना दूंगा, इसी वीक में। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने मैं हैंड बीटर, ये जो है केक बीटर है, ये यूज़ कर रहा हूँ, आप हाथ से कर लीजिएगा। ठीक है, 2 कप हमने बेसन लिया, 2 कप बेसन खयों, इनमें असं विझंदासीं लूण अध चाय जे चमचे का घट, 1/2 टीस्पून से कम हमने इसमें नमक ले लेना है। ठीक है, और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देनी है, 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, या 1 चाय का चम्मच डालनी है तो लेवल कम कर लीजिएगा। पीठल गाढ़ा मिर्च विझंदो 1/2 चाय जो चमचे का थोड़ा मथे, लूण 1/2 चाय जो चमचो, आहिन में विझंदासी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ब्लू कलर के बॉक्स में आता है, जैसे बेकिंग पाउडर होता है इसी तरह बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर अलग से होंगी, बेकिंग सोडा अलग से होंगी। बेकिंग सोडा तुम वी सोता ब्लू कलर के पैकेट में इंदो, बेकिंग सोडा छा कि तक 1 चाय जो चमचो 1/2 चाय जो चमचो भी विझंदो तो नुकसान न थो। अगर मिठी सोडा असं विझी छी तो पकौड़ा टुटी पा, तो इन करे बेकिंग सोडा बेहतर है। अगर ही मैं 1/2 चाय जो चमचो विझा पो, ठीक है, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ, और अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर आपने इसमें डालना है, सॉरी आपने मीठा सोडा डालना है, वो 1/4 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाएंगे, पूरा एक साथ पानी नहीं डालेंगे, 1/2 कप से थोड़ा कम डाला है पानी। ठीक है, आप हाथ से भी बीट कर सकते हैं, टाइम की बचत की वजह से मैं ये केक बीटर यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर आपके पास है एनएक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या होता है जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। देखिए फ़ौरन ये मिक्सचर हो जाएगा, लम्स ख़त्म हो जाएंगे, दाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये बीटर आप लेके रखें, केक बनाने में इस तरह के पकौड़ों के मिक्सचर में भी आपको ये काम आएगा। साइडों से उतारते जाएं और अच्छी तरह आपने इसमें डालना। अगर थोड़ा पतला लग रहा है तो 1-2 टेबल स्पून हम बेसन इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पानी 1/2 कप से थोड़ा कम गया है इसके अंदर, पानी 1/2 कप का घट वो है, चंगी तरह बीट करना थी। अब मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, इतना बीट करना है कि इसमें फ्लफी बन जाए, एयर आ जाए। फुल मैंने किया, ठीक है, इसको फुल मैंने इसको इतना बीट किया है 2 मिनट तक। आपने हाथ से करना है तो आप 5 से 10 मिनट तक करेंगी, इसके अंदर एयर आएगी तो ये फुल्कियाँ अच्छी बनती है। ठीक है, एयर अच्छी बने तो फुल्कियाँ सुठी ठंडी। कॉल वटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है सर भाई? माँ बिल्कुल ठीक ठाक, कह रहे हैं कितना गलाया पिया जी, कुछ चाहिए चाहिए कुछ आइसक्रीम बताइए। केड़ी चिकवारी बताइए वाला केड़ी फरी बताइए जो चिकवारी चिकवारी सुभाने इंशाल्लाह ठाई दिन दम दागे। ठीक है, ता चाओ तावरी बोदा हा रेसिपी कुछ एडियो थी थी वनन तपो ठाई ना पे सगया सी, इंशाल्लाह सुभाने ठाई दिन दम दागे। ठीक है, सही है, ठीक है, ओके दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑयल गरम हो रहा है, इसको इतना बीट किया है कि इसके अंदर एयर आ जाए। अगर ये आपके पास विस्क होता है इस तरह फेंटने वाला, ये हर घर में होता है जिससे हम लस्सी भी बनाते हैं, दही फेंटते हैं, इससे करेंगी तो 10 से 15 मिनट तक आपने तेज़ तेज़ बीट करना है ताकि इसके अंदर एयर आ जाए। ठीक है, हिन सां कंदो जो फेटण वो हों, इन सा कि दही के एतरो फेटंदो कि सॉरी इनके बेसन के एड़ो फेटंदो कि इनमें हवा अची वे, एयर अची वे, इनके 15 मिनट छडंदो ताकि थोड़ा खमीर भी थी वे। इतने ऑयल जो टेम्परेचर जो गरम थो, ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे, जैसे ही गर्म होगा इसमें हमने टेबल स्पून से फुल्कियाँ बनाना शुरू कर देनी है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा पीस डाल के देख रहा हूँ, ये बिल्कुल तैयार हो गया, ऑयल गर्म हो गया है। और चेक करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा पीस डालें, उसमें बबल्स आ रहे होते हैं ऊपर आ जाए, साइड में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, तो आपकी रेसिपी के लिए ऑयल तैयार है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर उठाएँगे टेबल स्पून चम्मच, ठीक है, और इससे हम डालते जाएंगे। चमचे सा विजंदा विंदो तो इनमें छातिंदो गोल शेप में ठंडा, चम्मच से डालेंगी तो ये बहुत अच्छा शेप देंगे, गोल शेप में देंगे, ये खुद ब खुद बॉयल होते जाएंगे इसमें ऑयल में और ये ऊपर आता जाएगा। ठीक है, ये फुल्कियाँ बनती जा रही हैं इस तरह, थोड़े जो लच्छे बन रहे हैं बनने दें, वो बाद में आप हटा सकती हैं। टेबल स्पून 2 स्पून ले लें, छोटे हाथ से बनाती जाएँ, फुल्कियाँ इस तरह आपकी बनती जाएंगी। ये पानी वाली
फुल्की है, ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको पानी वाले पकोड़े भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी पूरी का लिक्विड बनता है उस तरह का इसका पानी बनेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चीज़ बनेगी। दो चम्मच से आप उतारते जाएंगे आराम आराम से। हरिपुर से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं करके भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक। अपने रोजे कैसे जा रहे हैं भाई? रोजे अच्छे जा रहे हैं बहुत माशाल्लाह। अब मौसम भी अच्छा है कराची का बहुत ना जी। आप बताएं। हेलो, आज क्या बना रही थी? हेलो, लाइट नहीं है क्या आपकी? हेलो जी, मैं कह रहा हूँ लाइट नहीं है क्या? देखा नहीं प्रोग्राम अभी आपने? देखा भाई, मैंने बस आपसे बात की। अच्छा अच्छा, चलें शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी है? मेरी सिस्टर को मामा को सलाम पेश कर दें जी। मेरी सिस्टर को और मामा को सलाम पेश कर दें आप। चलें ठीक है, आपकी सिस्टर को और आपकी मामा को बहुत सारा सलाम और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ठीक है? उनको कहिएगा। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये देखें मैंने इसमें पकौड़ियों की तरह ये चम्मच से डालने से क्या होता है कि ये गोल गोल बनते जाते हैं, ठीक है। चमचे से विझण जो जो खाण चावल खाईंदा आयो जो चमचो होंगे वो खण जो, ठीक है। अगर वड़ा दही बड़ा ठाण चाहो तो वही डोई जो होंगी है जिनसे सालन ठाईंदा आयो बोर ठाईंदा उन से कर सको था। बड़ा अगर आप स्पून यूज़ करते हैं जो सालन के लिए होता है उससे क्या होता है कि उससे बड़े जो बनते हैं दही बड़े के लिए हम बड़े बनाते हैं वो बनेंगे। फुलकियों के लिए आप ये यूज़ करेंगे। अब इसको पकने दे रहे हैं हम, इसका पानी बनाते हैं, ठीक है। इसका पानी बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक चटनी बनेगी जिसमें आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, दो अदद हरी मिर्चें, आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, दो अदद हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, काला नमक जाएगा इसमें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। काला नमक इसमें जाएगा कितना, एक चाय का चम्मच जी। कॉल है, कॉल वटूँ था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम कराची से बात कर रहे हैं। मैं आपको शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी है आपने? जी भाई, हमें चाट मसाला था, हमारा मिस हो गया। दोबारा दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं? चाट मसाला था, बता सकते हैं? क्या चीज? आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है बहुत। चाट मसाला, चाट मसाला जी जी, बताया था ना, मिस हो गया, लाइट नहीं। चले ठीक है, टाइम मिलता है तो मैं बीच में बता देता हूँ आपको, ठीक है? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इनको मैं पलटाना शुरू करूँगा, ये बिल्कुल गोल हो गई हैं, ऊपर आ गई हैं, जैसे गोल थी वहीं वहीं। बेकिंग सोडा ले लें, बहुत अच्छी चीज़ है, मीठे सोडे से इतना अच्छा नहीं बनता जितना बेकिंग सोडा। ब्लू कलर के बॉक्स में होता है, कलर नाम कंपनी का नहीं बताऊँगा। जैसे बेकिंग पाउडर आता है पीले कलर के बॉक्स में, ये फ्रोजी सा कलर का बॉक्स होता है और ये बेकिंग सोडा से पकौड़े बहुत अच्छे फूलते हैं। देखें फुल्कियाँ कितनी हमारी अच्छी हो गई हैं। आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, दो अदद हरी मिर्चें, काला नमक एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा एक चाय का चम्मच और चाट मसाला डेढ़ चाय का चम्मच। और यहाँ से ले लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ, ये भी जाएगा एक चाय का चम्मच, ठीक है। अध कप सावा धाणा, अध कप फूदनो, ब दस सावा मिर्च मोटा वारा, तिखो आए तो एक विझो, ठीक है। अध कप सावा धाणा, अध कप फूदनो, ब दस सावा मिर्च मोटा वारा, अगर सन्नो आए तो एक विझी छो, अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो इनमें अध चाय जो चमचो, ब अदद मोटा वारा सावा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कारो लूण सादो लूण ना विझो, कारे लूण का फ्लेवर ईंदो, कारो लूण अध चाय जो चमचे का थोड़ो मथे या एक चाय जो चमचो भी करे सघो था, चाट मसालो डेढ़ चाय जो चमचो ऐं उन सां गॾु हिते आहे अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटावा, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। हरी मिर्चें डाल दी और इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं, ठीक है। और इसको इमली के पल्प के साथ हमने ब्लेंड करना है। इमली का पल्प इसमें जाएगा एक कप, इमली का पल्प यानी गिदामड़ी जो जेको गूदो होंदो आहे, ये देखें यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है भीगी हुई। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये एक दो घंटे पहले आपने भिगो के रखनी है और इसकी गुठलियों को अच्छी तरह मसल लेना है। ये आपने निकाल के इसके अंदर डालनी है, ठीक है। गुठली जेका है इनजी कढ़ी छो मशीन में नाची वने तो ये चंगी तरह पेस्ट करे छो इनजो ब कलाक पिसाए रखना कयो गिदामड़ी के तो सुठी इनमें पेस्ट निकली इंदी। इसको अच्छी तरह मसलने के बाद हमने ये सारी इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद एक कप जितना इमली का पल्प होना चाहिए, ठीक है। तो ये इमली का पल्प मैं इसमें से एक कप डाल रहा हूँ, ठीक है। एक कप इमली का पल्प चला गया,
और अब हम इसको NX का हैंड ब्लेंडर है मेरे पास, ठीक है। NX का हैंड ब्लेंडर जो मैं बता रहा होता हूँ, ये बहुत ही परफेक्ट होता है। यहाँ से खुल के अलग हो जाता है, जब आप इसको वॉश करेंगी तो ये इसका लॉक खोल के इसको यहाँ से आगे वाले हिस्से को वॉश करके ड्राई करके लगा दें और ये इसका लॉक होता है। ब्रेक का टाइम हो रहा है जब तक मैं इसको पीसना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जी पेस्ट चटनी ठाई रखा तो एक शॉर्ट ब्रेक वटूँ, तो ब्रेक का पहुँची रेसिपी कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उनका पहिरी ताईं सामू जेका रेसिपी ठाही हिते असां पानी पकोड़ा ठन पिया, या पानी फुल्की, पानी फुल्की भी कह सकते हैं, पानी पकोड़ा भी कह सकते हैं। ये हमने फ्राई कर दी। अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं। ये देखें, एक करीब का दिखा दो, ये इस तरह होना चाहिए, ठीक है, स्पंज की तरह होना चाहिए, तभी ये पानी को सॉक करेगा। अदरवाइज़ ये अगर हार्ड हो गया तो फिर ये आपको पानी में भिगो के, जिस तरह 10 मिनट 5 मिनट पानी में भिगो के प्रेस करके फिर डालने पड़ेंगे। ये देखें मैंने जिस तरह बनाया है, ये बिल्कुल स्पंज की तरह है, इन्हें तरीके से वजन स्पंज वांगर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो चटनी बनाई थी, आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली, अगर तेज़ है तो 1 डालेंगे, ठीक है। चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चला गया, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चम्मच। ये सब डाल के 1 कप इमली के पल्प के साथ चटनी बना ली थी, ठीक है। 1/2 कप सावा धाणा, 1/2 कप पुदनो, 2 अदद मोटा सावा मिर्च, अगर तिखो आया था 1 विज जो अदरक तुम जो पेस्ट, 1/2 चाय जो चमचो चाट मसालो, 1/2 चाय जो चमचो या थोड़ा बधाई भी सको था, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कारो लूण 1 चाय जो चमचो, अचो जीरो भुनियल कुटियल 1 चाय जो चमचो, काला नमक डालना है 1 चाय का चम्मच, सादा नमक नहीं डालेगा। ये चटनी पूरी आपने इस तरह डाल दी, ठीक है। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। अच्छा, पानी ठंडा होना चाहिए, जैसे गोलगप्पों के लिए हम डालते हैं पानी, उस तरह इसमें पानी डालेंगे, 1 और 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है, और इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इस तरह। ये बिल्कुल गोलगप्पों का जो पानी बनता है, लेकिन इसका थोड़ा हरे मसाले के साथ होगा। इसके बाद हम फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून, मुझे कम लग रहा था, आप थोड़ा और डाल दीजिएगा, 2 चाय के चम्मच कर लीजिएगा चाट मसाला। ये करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो फुल्कियाँ हैं ये इसमें डिप कर देनी है, लेकिन ये सॉफ्ट बनी हुई, दोबारा बता दूं, अगर आपकी सख्त बनी है तो आपने इसको 4-5 मिनट पानी में डिप करना है, फिर हाथ से निकाल के हल्का सा हथेली से दबा के प्रेस करना है, देन आपने इसको पानी में डालना है, ठीक है। हे नरम ठहियल आहिनि ऐं अगरि तव्हांजो सख़्तु ठही थी वञनि त पोइ तव्हां छा कंदो, इनखे 5 मिंट पाणी में पिसाइण खां पोइ तव्हां इनखे कढी वठंदो, हथ सां हल्को हल्को दॿाए पोइ इनखे तव्हां इनजे अंदरि सेट कंदो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का हल्का प्रेस करते हैं ताकि ये पानी में अच्छी सी सोक हो जाए, ठीक है। इनको अच्छी तरह प्रेस करेंगे, ये पानी में सोक होती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी देर में इसको प्रेस करें, ये पानी के साथ आपने खानी है, बहुत ही मज़ेदार होंगी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, पुदीना के पत्ते फ्रेश, पुदीने का पत्ता, प्याज के रिंग डाल दें पानी में, ये इसके साथ ही खाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। इस तरह प्याज डाल दें इसके अंदर, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे गोलगप्पे आप लोग खा रहे हो, तो उसी की एक नस्ल से है ये, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट रेसिपी। ये हाने में पया हूँ नरम थी वा, इनके जड़े प्याली में कटो तो पानी से गड कटो, उनमें तोड़े पो खाई तो तुम्हें सुनो लग, बसर जरूर विझो, बसर सेो इनमें जायको ढो सुनो गड गड खाई, ठीक है। प्याज जरूर डालिएगा, इसमें जायका बहुत अच्छा आएगा प्याज के साथ, और जब आपने खानी है तो आप प्याली में जब डालेंगी तो इसकी जो लिक्विड है वो भी डालेंगे, फिर इसको काट के जिसे हम खाते हैं उस तरह तोड़ के खाएंगे। अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं बेसन वाले छोले की चाट। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बोहरी कम्युनिटी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है या इंडियन साइड पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे छोले बॉयल हुए हैं, 4 कप छोले हैं बॉयल, पानी के साथ ही हैं, ठीक है। जो इनका बॉयल का पानी है वो इसमें होना चाहिए 2 कप जितना पानी, जो है इनसे गड हुजन खपे, चना 4 कप जितना बॉयल हुजन खपन, इनमें पानी जो है जो गड़ी हुजन खपे। यहाँ पे आलू हैं 3 अदद आलू, छोटे छोटे क्यूब्स में आपने बॉयल कर देने, ठीक है। ये आलू भी इसमें जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं कढ़ाई या पतीला, ठीक है। इसमें हमने बेसन डालना है 5 खाने के चम्मच, मुझे स्पून दे दें मुझे, बेसन हमने डालना है 5 खाने के चम्मच, ठीक है। 5 टेबल स्पून बेसन को आपने हल्का सा रोस्ट करना है, 1 2 3
चार, पांच खाने के चम्मच बेसन चला गया। ठीक है, बेसन को हमने रोस्ट करना है, कच्चा बेसन इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। बेसन के असा रोस्ट कंदासी, कच्चो बेसन इनमें इस्तेमाल ना थी दो। ठीक है, पानी भी दे दे मुझे जल्दी से। कच्चा बेसन इस्तेमाल नहीं होगा, बेसन को आपने रोस्ट करना है। ठीक है, दो चार मिनट बेसन को अच्छी तरह रोस्ट करना है। बेसन का कच्चापन हमने ख़त्म करना है, वरना कच्चा बेसन होगा तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बेसन को भूनना है। इनके बेसन के भुजन दो, पंज खाने जा चमचा ही डाढ़ा ज़बरदस्त ठंडा असांजा छोलन जी चाट बेसन वाली। ठीक है, बेसन वाली छोलों की चाट बनेगी। तो आपने यहाँ पे पांच खाने के चम्मच बेसन को भूनना है अच्छी तरह। ठीक है, खुशबू आना शुरू हो गई है बेसन से। ठीक है, बेसन में खुशबू अचान शुरू थी भैया, कच्चोपन इनको ख़त्म थे पे, कच्चापन इसका ख़त्म हो रहा है, इसमें खुशबू आना शुरू हो गई बेसन की। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी डाल के इसका लिक्विड बनाएंगे। ठीक है, ये बेसन हो गया, भुनाई हो गई बेसन की, मुझे पानी दे दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पहले थोड़ा पानी, कितना, एक कप के करीब। ठीक है, और इसके लम्स ख़त्म करने हैं, एक कप के करीब पानी विझा दो बेसन में। पहले गुठली ख़त्म करनी है, बेसन की गुठली ख़त्म करनी है, जैसे हम कढ़ी के लिए भी करते हैं ना, उस तरह इसको हमने लिक्विड बनाना है। साइडों से उतार दें कि जले ना बेसन, क्योंकि बेसन फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे इसको, आप जब बना के रिज़ल्ट आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बन रहा है, अभी शायद आपको समझ ना आ रहा हो। बेसन पांच खाने के चम्मच लिया, उसको आपने भूना, फिर आपने इसमें पानी डाला, इसमें गुठली नहीं आनी चाहिए। अब इसमें हमने डाल दिया दो कप पानी। ठीक है, दो कप पानी डाला, बेसन को अच्छी तरह मिक्स किया, चूल्हे पर रख देंगे। अब इसमें डालेंगे हम क्या, इसमें हम डालेंगे बॉयल छोले जो पानी के साथ ही हैं। बॉयल छोले चले गए, बॉयल छोले डालने के बाद चूल्हा ऑन कर दिया। अब बॉयल आलू हैं, ये भी इसमें डाल देंगे, दो बड़े आलू थे क्यूब्स में कटिंग करके ये डाल दिए। हस्बैंड जो जितने आपको अच्छे लगें उतने आपने आलू और छोले डालने। ठीक है, तो चार कप छोले थे और आलू थे। अब ये पक पक के गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, हाँ नहीं पचन दो, बेसन घाटो थियण शुरू थी वेंदो। ठीक है, ये बेसन घाटो थियण शुरू थींदो त पोइ जॾहिं बेसण घाटो थियण शुरू थींदो त पोइ असां हिनमें मसाला विझणु शुरू कंदासीं। अब इसमें इमली का पल्प जाएगा, इमली का पल्प इसमें भी जाएगा एक कप। ठीक है, तो थोड़ा मुझे इसमें पानी और डालना पड़ेगा और इसको अच्छी तरह मसलते हैं। ये अभी बनेंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि कच्चा है, लेकिन जब ये बनेगा गाढ़ापन आएगा, ये बड़े लिक्विड वाले छोले ज़बरदस्त से बनेंगे। अभी इसमें स्पाइसेस वगैरह सब जाएंगे, फिर आप देखिएगा। चूल्हा हल्का कर रहा हूँ, बॉयलिंग आना शुरू हो गई है और इसमें हम डालेंगे एक कप इमली का पल्प, एक कप गिदामड़ी जो पेस्ट, एक कप इमली का पल्प चला गया। ठीक है, इसको हिलाते रहें, बेसन खुद ब खुद जैसे कढ़ी में गाढ़ा होता है इस तरह ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मसाले डालेंगे। मसाले इसमें क्या जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, काला नमक जाएगा इसमें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। काला नमक एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, चाट मसाला इसमें जाएगा डेढ़ चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ भी डेढ़ चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये है जर्दे का रंग क्वार्टर टी स्पून, इसमें कलर आ जाएगा खूबसूरत सा। कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, काला नमक एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, चाट मसाला डेढ़ चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ एक से डेढ़ चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय के चम्मच, जर्दे का रंग चौथा चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कारो लूण एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो, चाट मसालो डेढ़ चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल डेढ़ चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, ऐं हीअ आहे जर्दे जो रंग। कुटियल गाढ़ा मिर्च, कारो लूण, पीठल गाढ़ा मिर्च, हेड एक चाय जो चमचो, चाट मसालो ऐं अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल डेढ़ डेढ़ चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, ऐं हुन सां गॾु आहे जर्दे जो रंग। ठीक है, जर्दे का रंग डालने से क्या होगा, इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, लाइट सा येलोइश कलर आ जाएगा, गोल्डन सा ब्राउनिश टोन में। अब इसको मिलाएंगे और ये पकते रहेंगे,
ये पकते रहेंगे और ये गाढ़ा होता रहेगा क्योंकि इसमें बेसन है, तो ये गाढ़ा होते 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 इसमें जब लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज आपने कभी नहीं सुना होगा कि छोलों में डलती है, लेकिन इसमें डलेगी। ब्राउन प्याज हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? मलका फूड की, ठीक है। मलका फूड की ब्राउन प्याज पैकेट्स में दस्तयाब है। इस तरह के 500 ग्राम की पैकेट आते हैं मलका फूड के, ठीक है। गाढ़ो बसर है मलका फूड जो मार्केट में मिले पियो, इहो तव्हां वठी सघो था। फ्रेश ऑनियन, ठीक है, हिनमें गाढ़ो बसर आहे ऐं इहो असां में विझंदासीं अधु कप खां थोरो मथे। आख़िर में डालेंगे ब्राउन प्याज। अगर ब्राउन प्याज आपके पास ये नहीं है तो आपने ब्राउन प्याज करके वो डालना है। अब इसको स्पून चलाते चलाते इसको गाढ़ा करेंगे, ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इसकी चेक करेंगे, जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। ठीक है, ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आहे चणनि जी। ये पानी हाफ़ हो जाएगा अभी बॉयल होके, ना गाढ़ा होके, अभी इसके अंदर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दोबारा रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। 4 कप जितने बॉयल चने थे, 2 कप जितने आलू थे बॉयल क्यूब्स में कटिंग किए हुए, ठीक है। उसके बाद हमने 5 खाने के चम्मच बेसन को भूना, उसमें 1.5 से 2 कप पानी डाल के उसको अच्छी तरह आपने बेसन को हल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, उसमें चने डाल देने चूल्हे पे चढ़ा के, ठीक है, बॉयल चने डाल देने। उसके साथ आपने इसमें आलू बॉयल डाल देने, थोड़ा 2-3 मिनट उसको पकने दें। उसके बाद आपने इसमें पानी थोड़ा बढ़ा देना, 1 से 1.5 गिलास, और इस तरह लिक्विड बन जाएगा। फिर हमने इसमें मसाले डालने। मसालों में क्या गया था, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा 1.5 चाय का चम्मच, और उसके बाद हमने इसमें चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच डाला था, ठीक है। और जर्दे का रंग चला गया था 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, और गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अब इसको पका रहा हूँ, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद कढ़ी की तरह गाढ़ापन आएगा, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। हाणे ही घाटो थियण शुरू थींदो, इनके बस पचाईंदा रहिजो, किरे न बाहर न अची किरे, हिन जो ख़्यालु रखिजो। हे ॾाढा ज़बरदस्त छोला ठहंदा आहिनि, ऐं थोरा नीम गरम खाइबा आहिनि, ठीकु आहे। ही थोरे नीम गरम खाए जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा चटनी डालना चाहें तो ग्रीन चटनी आपको बनाना सिखा दी थी, आप ग्रीन चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी अगर एडिशन करना चाहें तो आप खट्टी मीठी चटनी की भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। खट्टी मीठी चटनी भी विझी सको था एडिशन करे, ऐं साई चटनी तव्हांखे ठाहिण सेखारे अगर मथा विझो, अदरवाइज़ ज़रूरत नाहे, छाकाणि त मां हिनखे पाण एॾो चटपटो करे छॾियो आहे की हीउ पचंदे पचंदे पाण ई ज़बरदस्त थींदो, ठीक आहे। बेसण असां खयों 5 खाइण जा चमचा, हुनखे हल्की बाहि ते भुञंदो, सड़े न बेसण, पोइ हिनमें 1 कप 2 कप 2.5 कप पाणी विझी मिक्स करे छॾिजो, चङी तरह हल करे छॾिजो। हुनजे बाद तव्हां हिनमें चणा विझंदो बॉयल 2 कप जेतिरा पटाटा क्यूब्स में कटिंग थियल बॉयल विझंदो, ठीक आहे। पोइ हिनखे थोरो पचाईंदो, वरी हिनमें 2 कप 2.5 कप पाणी विझी छॾिजो। हुन खां पोइ हिनमें गिदामड़ी जो पेस्ट, इमली का पल्प बि गया था, सॉरी 1 कप इमली का पल्प बि डाला था, ठीक है। उससे खटाई आएगी, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 1 कप इमली का पल्प बि डाल दिया था, 1 कप गिदामड़ी जो पेस्ट विझी छॾंदो। हुन खां पोइ पीठल ॻाढ़ा मिर्च, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, हैड ऐं कारो लूणु 1-1 चांहि जो चमचो, चाट मसालो 1.5 चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। इहे सभु शयूं विझण खां पोइ तव्हां छा कंदो, हिन में ज़र्दे जो रंग विझंदो 4 चांहि जो चमचो, अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल 1/2 चांहि जो चमचो, ऐं पोइ हिनखे पचायूं पिया। हे जॾहिं घाटो थियणु लॻंदो, हिनजे ॾिसंदो हीउ चङो घाटो थी वञे, त पोइ हिनजे अंदरि असां विझंदासीं ब्राउन बसर, ठीकु आहे। और इहे फुल्कियां मां आपको चेक करा दूं, इहे देखें, ये अब सोक होना शुरू हो गई हैं पानी में, और ये फूल भी गई हैं, ये देखें, ये पानी में फूल जाएंगी। इस तरह चटनी वाला पानी है ये ज़बरदस्त, ये देखें इसमें फूल गई हैं। पहले हमने डाली थी तो ये थोड़ी छोटे साइज़ की थी, पानी में डिप रहने से फूल जाएंगी। जब आप इसको खाएंगे प्याली में डाल के, तो साथ लिक्विड भी आपने डालना है, फिर इसको आप तोड़ के खाएंगे, प्याज के रिंग्स वगैरह सब इसके अंदर डले हुए। तो बड़ी ज़बरदस्त एक डिफरेंट यूनिक रेसिपी है दही वाली फुल्की, ठीक है। ये रमज़ानों की स्पेशल रेसिपी है, और छोले बन रहे हैं इंशाल्लाह। कल हम बनाएंगे आइसक्रीम, चीकू आइसक्रीम जो हम बनाएंगे नेस्ले फ्रेश क्रीम डेरी क्रीम के साथ, ठीक है। चीकू आइसक्रीम बनाएंगे तो उसके साथ हम कोई एक और भी चीज़ बनाएंगे अच्छी सी, ठीक है। सुभाणे चीकू आइसक्रीम ठाहींदासीं, वनीला आइसक्रीम की भी फरमाइश आई है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर खानों पे आ जाते हैं। अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। ये घाटो थियण शुरू थी, मैं तेज़ चूल्हो कहवा चूल्हा तेज़ कर दिया, क्योंकि बेसन को हमने भुना हुआ था, बेसन कच्चा नहीं है, ठीक है। कड़ी में जैसे कच्चा बेसन होता है हम उसको पकाते हैं, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसन वैसे ही भुना हुआ है तो इसके अंदर पकता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें गाढ़ापन आएगा, ये देख रहे हैं बबल्स बनते जा रहे हैं। इसकी क्वांटिटी हमने हाफ़ करनी है, लिक्विड की क्वांटिटी जब हाफ़ हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज कितना चाहिएगा, 1/2 कप। ब्रेक जो टाइम थियो, जेसि ताईं हीउ घाटो थिए पियो, ठीक आहे, एक शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पहुची जो बाक़ी जेको तरीक़ेकार आहे तव्हांखे ब्रेक खां पोइ ॿुधाईंदासीं।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए हिन जो लिक्विड अञा गाढ़ो थिए पियो। ठीकु आहे, इहे मैंने अब चूल्हा तेज़ कर दिया, लिक्विड इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है, गाढ़ा हो जाएगा अच्छा सा, जैसे कड़ी गाढ़ी होती उस तरह होना चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट ज़बरदस्त रेसिपी है, ये बोरी कम्युनिटी की रेसिपी है और इंडिया साइड पे भी बहुत ज़्यादा इस तरह के छोले खाए जाते हैं, तो ये आपको बनाना सिखाएं। वैसे चनों की चाट मैंने बहुत सारी आपको बनाना सिखा दी, एक दो अभी और भी बाकी हैं, बीच में बनाते रहेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, जी छा हलनि था जा आवाज़ नहीं समझ आ रही आपकी, क्या कह रही हैं? छोले वाली चाट होती है ना जी? छोले छोले होते हैं छोले छोले हाँ, छोलों को क्या करना है? चाट हमको सिखा दे। छोलों की चाट मैंने दो तीन सिखा दी है, ये भी छोलों की चाट बन रही है, दो तीन सिखा दी है, आप YouTube पे देख लें, सिन टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल सर्च करें, YouTube पे आपको मिल जाएंगी छोलों की चाट। ठीक है, आगे एक दो बनाऊंगा, फिर वो देखिएगा नेक्स्ट वीक में भी। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट रमज़ान खां वठी छोलनि जी चाटूं काफ़ी सारी ठाहे चुका आहियूं, हाणे त माशाल्लाह खां 16 रमज़ान थी वियो आहे त मां चाटूं काफ़ी सारियूं ठाहियूं आहिनि। हे भी चणनि जी चाट आहे, तव्हां ज़रूरी न आहे कि बिल्कुलु खुश्क चणा पटाटा त उनमें टमाटा बसर इहे शयूं हुजनि, हिन तरीक़े जूं बि चाटूं इस्तेमालु कंदा कयो, उहो हिकिड़ी मखसूस चाट जे पुठियां न पवंदा कयो। डिफरेंट शयूं तव्हांजे साम्हूं जेको ठाहियूं पिया हिन करे कि तव्हां हिनखे इंजॉय कयो। डिफरेंट तरीक़े जूं चाटूं जेके सॼी दुनिया में खाई वेंदियूं आहिनि, उन तरीक़े जी चाट्स तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो, इन तरीक़े जूं चाट्स बि ठाहियो। हिकिड़ी चाट जेका असां रुगो कंटिन्यू ठाहींदा आहियूं घर में उहे न ठाहींदा कयो, उहो बि ठाहियो लेकिन थोरो चेंज करे बि ठाहींदा कयो। ज़िंदगी में इलाही शयूं इलाही खाधा अहिड़ा आहिनि कि माण्हू चेंज करे करे ठाहे, काफ़ी सारा माण्हू हिते माशाल्लाह ट्राई बि कंदा आहिनि जीअं मां ठाहींदो आहियां। ठीकु आहे, थोरा सा मैंने इसको और टॉपिंग कर दी ताकि इसमें ख़ूबसूरती आ जाए हरा धनिया पुदीना से। तो अभी ये देखें इसमें गाढ़ापन आ गया, चूल्हा हल्का करेंगे, हाँ घाटी थी भैया। अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन प्याज। ठीक है, ब्राउन प्याज अगर आपके पास नहीं तो आप ब्राउन प्याज करके डालें, तो ये इतनी एक मुट्ठी जितनी आपने भर के इसमें ब्राउन प्याज डालें, इसी ब्राउन प्याज से इसमें फ्लेवर आएगा। मलका फूड की ब्राउन प्याज मैंने इसमें डाल दी, अगर आपके पास मलका फूड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इसको ब्राउन करके दो मीडियम साइज़ के प्याज वो आपने डाल देंगे। बसर बंड गाढ़ियूं करे पोइ इनमें विझंदो। ठीक है, यकीन करो ॾाढा ज़बरदस्त, छाकाणि त इनमें गिडांबी जो पेस्ट हिकु कप पयल आहे, त हीअ चटपटाई आहिनि। ठीकु आहे, भाॼी कोन्हे, हीअ चणनि जी चाट आहे, चटपटी आहे, ॾाढी ज़बरदस्त ठहंदी। ठीकु आहे, बड़ी ज़बरदस्त, इसी तरह लिक्विड, बसि अब चूल्हा बंदि कर दिया मैंने, ये देखें इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ब्राउन प्याज डाल के मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। मां ठीक ठाक, कहिड़े किथां ॻाल्हायो पिया? जी छा हालनि तव्हां? ठीकु आहियो जी, यदि कुझु चवणु चाहींदो? कहिड़ी फरमाइश ॿुधाइजो? चिकन कढ़ाई, चिकन हलो, चिकन कोफ्ता, चिकन कढ़ाई ऐं ब्रेड सैंडविच चया हुआ। ब्रेड सैंडविच आहिनि हिकु ॿ ॾींहंनि में? ठीकु आहे, ऐं चिकन कढ़ाई सुभाणे ठाही था वठूं? सुभाणे ॾिसजो, चिकन कढ़ाई मां सुभाणे ठाही थो वठां। ठीकु आहे, फ्रूट कस्टर्ड इनशाला मां मथे हफ़्ते ठाहींदमि। ठीकु आहे, पोइ ॾिसी वठो। ओके जी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, थैंक्यू। सुभाणे ठाही था वठूं, मां बि बेज़ार थी वियो चणा ऐं ठाही ठाही, अचूं था खाधनि ते, सुभाणे ठाहियूं था कढ़ाई। ठीकु आहे, हलो थोरो चेंज था करे छॾूं, कल हम कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कढ़ाई एक डिफरेंट किस्म की बनाना सिखाऊंगा, बहुत सारी मैंने आपको बनाना सिखाई है, ये रमज़ान के हिसाब से बनाएंगे, थोड़ी ग्रेवी स्टाइल में जो शादियों आदियों में होती उस तरह की। अब देखिए इसमें आलू भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसी तरह लिक्विड फॉर्म में खाई जाती है और हल्की नीम गर्म ही खाई जाती है, वैसे आप ठंडी करके भी खा सकते हैं। हाँ इनके अंदर छा विझंदासीं असां? बसर मथा कटिंग थियल, प्याज चॉप करके इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, इस तरह, उसके बाद हरी मिर्चें चॉप करके मोटी वाली डाल देंगे। अच्छा, ॿारनि सां गॾु खायो पिया त ॿारनि जे लाइ सावा मिर्च न विझिजो। अच्छा, हीअ शयूं मां त गार्निश कयां पियो, तव्हां अलॻि करे रखिजो प्यालिन में,
जी जी बिल्कुल ठाई सको था काले चनों में भी, ठीक है काले चनों में भी ये बना सकते हैं सेम रेसिपी, और आप वाइट चनों में भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा सावा धाणा, सावा मिर्च, बसर ये अलग रखी छो जैसे प्याली में ते कढ़ तो मथा पानी मर्जी से जितना सावा धाणा, सावा मिर्च, फूदनो, बसर ये शूँ मथा विझो, चटनी विझो वो तुम मर्जी है, पापड़ी विझो वो तुम मर्जी है। मां गार्निश करने ला सजो गड विधो है, ठीक है। गार्निश करने के लिए मैंने सब डाल दिया। आप छोले को इस तरह ये छोले बने हुए अलग रखें, प्याज काट के रख दें, हरा धनिया रख दें, अदरक रख दें, जैसे हलीम के लिए हम चीज़ें रखते हैं लेमन रख दें, तो वो फिर आप अलग से अपनी मर्जी से बॉल्स बनाते जाएँ। तो मैंने सारा साथ ही डाल दिया क्योंकि मुझे इसकी गार्निशिंग दिखानी थी आप लोग को। तो ये हमारी हो गई है हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है, प्याज, आखिर में हम पापड़ी डालेंगे। अच्छा पापड़ी कभी भी चाट में डाल के छोड़ा नहीं करें, पापड़ी आखिर में साथ रखा करें, जब खाने का टाइम होता है उस वक्त डाला करें। इसमें डाल के छोड़ेंगे जैसे ऐसे हो जाएंगे जैसे चाय में पापड़ी डिप करके रखते हैं ना, वैसे सॉफ्ट हो जाएगी। तो इससे बेहतर है जब आपने सर्व करनी हो पापड़ी आप उस वक्त फ़ौरन डालें और खाएँ, ठीक है। पापड़ी कदें भी पहरी का विझी न रखो, पापड़ी सफ़ा पानी थी वी नरम थी वी जी पापा चाय में बोड़ी खाइंदा इन तरीके की थी वी, इनका बेहतर है पापड़ी जडे भी तुम इस्तेमाल कर चणन में तो पापड़ी के तुम आखिर में वेझो साइड में कटे पीसेस कर रखी छोड़ो जैंके खाणी होंगी पाँच हिसाब से विझी खाई। ये असि तो रेसिपी कंप्लीट थी वही बई बल्कि रेसिपीज कंप्लीट थी। सुबाने ऋजो चिकन कढ़ाई ठाऊँ था एक जबरदस्त किस्म की, अदी की फरमाइश भी नाराज भी थे पे तो मुझे ठाणी तो हुई तो मैं सुबाने ठाई वो तो ठीक है। पो वरी परी का भी शूँ ठाईदी गड असा सुबह ठाईदी चीको आइसक्रीम, कल हम चीको आइसक्रीम बना लेते हैं और साथ ही चिकन कढ़ाई बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया काउंटर क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं मशरूब मशरक रू अफ़ा। ज़बरदस्त शरबत है मशरूब मशरक रू अफ़ा, 110 ममालिक 110 साल का इस्तेमाल थे पो ठे पो आए। उनके अलावा पंजटी ममालिक अड़ा है मुल्क जिनमें इलाही कसरत से इनकी डिमांड है, मानू पींदा ढो शौक से तो यो तुम वो इनके अज तो मैं सादो ठाया पो, इंशाल्लाह इनकी काफ़ी सारी बी रेसिपीज हैं तो वो भी तक सिखा दूँ, ठीक है। तो एक गिलास में हम डालेंगे यहाँ पे कितना 5 टेबल स्पून, ठीक है। चीनी डिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 टेबल स्पून डालेंगे। ढक्कन को अपने आराम से इसको कवर करके रखें और एक बोतल से आप 10 जग बना सकते हैं, ठीक है। एक बोतल से आप 10 जग 9 से 10 जग बनेंगे, गिलास अगर बनाना चाहें तो 35 से 40 गिलास बनेंगे एक बोतल से, ठीक है। एक बोतल का 5 टीका 40 गिलास रहा। कॉल वटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर भाई मैं अपना बात कर रही हूँ, क्या थे आपकी रेसिपी, क्या है, क्या बना रहे हैं आप? आज लाइट नहीं है या आपने देर से टीवी खोला है? रिपीट में देखिएगा, आज मैंने बनाए हैं फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ कितनी सारी आपको बनाने सिखाई, तो आज पानी वाली फुल्की बनाई है मैंने, ठीक है, पानी वाली चटपटी फुल्की है। आपने जो चावल की चाट बनाई थी ना वो मैंने बनाई है, बहुत मजे की बनी हुई, सबको पसंद आई है बहुत। आलू चना चाट जो है वो वाली कह रही है? आपने जी जी वो बनाई थी सबको, ये ठीक है। कोई फरमाइश करनी है आपने? कोई फरमाइश करनी है आपने? ठीक है, मैं ऐसा ड्रिंक बना दूंगा। और ये जो आज मैंने चाट बनाई है बेसन वाली चाट, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार चटपटी चाट है ये। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा शरबत। सुबह टाइम के थोड़ा समट बल्कि ठीक ठीक है, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ असद मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। 03142675311, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है,
उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करें, रिटर्न में मैसेज करें। कोई रेसिपी कुछ बना रही है किचन में है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ मिस हो रही है, तो आपकी हेल्प के लिए ये नंबर है, आप उससे एक मैसेज करें, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ कहीं कोई चीज़ आपसे मिस हो रही हो, कुछ पूछना हो, ठीक है। 0314-267-5311। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल बना रहे चिकन कढ़ाई और चीकू आइसक्रीम, ठीक है। दोनों रेसिपीज़ कल देखिएगा रियाद से। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो सुबह जो कुकिंग विश एफ एस एल मुझे पेज है, उते भी रेसिपी अपलोड थी है। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर, पंजो खोर सारो ख्याल रखो। सुभाणे चिकन कढ़ाई ठाईंदासीं हिकिड़े नए स्टाइल में, उनसां गॾु ठाहींदासीं चीकू आइसक्रीम, छाकाणि त चीकू जो मौसम आहे। तेसि ताईं दुआनि में हथु रखंदो, पंहिंजो खोर सारो ख्याल रखिजो। अला हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।